प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। ये आपको समीकरण दी हुई है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, और आपको जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो अभी देखो, मैंने बताया था पहले द्विघात समीकरण किस रूप में होगा। आपके जो आपके द्विघात समीकरण आएगा वो आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होगा, ठीक है, बराबर एक, तो इस रूप में होगा। या फिर हो सकता है आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो, या फिर हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो। इन तीनों में से एक रूप में अगर इन समीकरणों का हल आता है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। अगर इन तीनों में से नहीं आता है अन्यथा तो फिर वो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो बेटा ध्यान दो इधर, सबसे पहले नंबर वन पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन ये वाला। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये इसको हल करेंगे अपन, एक्स कोष्टक एक्स प्लस एक प्लस आठ बराबर एक्स प्लस दो कोष्टक एक्स माइनस दो। अब देख रहे हैं यहाँ पे इस आगे वाले पक्ष में दो पक्ष है, एक तो ये वाला एक ये वाला। सबसे पहले किसको हल किया जाएगा, कोष्टक को, और कोष्टक के अंदर वाली संख्या होगी, मतलब इस x को अंदर गुणा करेंगे दोनों से। देखो x को x से गुणा किया x को x से गुणा किया x, और पीछे कितना प्लस का 8 बराबर। अब ये दोनों गुणा होंगे, अब देखो दोनों में नंबर क्या है सेम, एक बार तो प्लस में और एक बार बताओ कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा आपके ए प्लस बी और ए माइनस बी, बताओ क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी भी लिखो ऐसे पहले जस्ट सूत्र, तो इसको लिखेंगे ए तो कितना एक्स का स्क्वायर माइनस बी कितना दो का स्क्वायर, बताओ ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आठ बराबर, ये तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे दो दुनी चार। अब देखो इनको इधर लेके आओ इधर, या फिर देखो एक्स स्क्वायर इधर किसका है प्लस का, एक्स स्क्वायर इधर भी किसका है प्लस का, काट दो डायरेक्ट, अगर दोनों तरफ सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, इधर लेके आओगे तभी कटेगा, तुम वही काट दो, क्या बचा एक्स प्लस आठ, इस चार को इधर लेके आओ, उधर माइनस में इधर किसमें हो गया नीचे, क्या बचा जीरो, क्या बचा तो एक्स का तो एक्स, बताओ आठ और चार कितना बारह, बराबर कितना जीरो। अब देखो इसकी घात कितनी आई एक ही आई, द्विघात बहुपद है क्या, घात कितनी आती दो, इन तीनों में से किसी एक रूप में होता तो बहुपद, क्या लिखेंगे नहीं, तो ये लिखना ऐसे ये समीकरण द्विघात बहुपद नहीं है। समझ में, अब ये वाला ये देखो दूसरा वाला, इसको इधर कर देते हैं, क्या है आपके x प्लस दो की पावर कितनी तीन बराबर x की पावर तीन माइनस कितना चार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके दूसरा, इसी का दूसरा है। देखो यहाँ पे अब पहले ये देखो, सबसे पहले कोष्टक हल किया जाता है, कोष्टक a प्लस बी का क्या हो गया होल, सूत्र लगेगा ना a प्लस बी का होल क्यूब, जो अभी भी लिखवाया था आपके पहले, बताओ ये a प्लस बी का होल क्यूब कैसे खुलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ऐसे खुलेगा हाँ। अभी सूत्र के माध्यम से खोलेंगे इसको, बताओ देखो a तो क्या हो गया एक्स, b क्या हो गया दो, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे a क्यूब, बताओ a क्यूब कितना x का क्यूब प्लस b क्यूब कितना दो का क्यूब प्लस तीन सूत्र का ये तीन a क्यूब a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इनटू b का मतलब दो प्लस अगर तीन का तो तीन ए का मतलब एक्स बी का मतलब दो और यहाँ क्या है स्क्वायर, यहाँ क्या लगेगा स्क्वायर, पीछे क्या है एक्स की पावर तीन माइनस कितना चार। अब इसको हल करेंगे, देखो
x की पावर 3 अकेला ये इधर किस में है? प्लस में। उधर भी किस में है? प्लस में। x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या कितना है? 8। क्यूब क्या कितना है? 8। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 8 प्लस यहाँ देखो 3 × 2 = 6 6 x की पावर 2 प्लस देखो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 x 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 को 3 से गुणा किया तो 12 बराबर पीछे क्या बचा इस माइनस को इधर ले आओ प्लस का कितना पीछे क्या बचा अब सबसे पहले कौन सी घात आती है बड़ी बड़ी घात कितनी 6 x स्क्वायर फिर उसके बाद कितना 12 बताओ 4 और 8 कितना हो गया बराबर कितना बताओ द्विघात समीकरण नहीं है द्विघात कितनी दो देखो इस रूप में आ रहा है ये द्विघात समीकरण है तो क्या लिखोगे ऐसे में अबे आपके इसका देखो तीसरा वाला ये ऐसे दिया हुआ है बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है देखो ये तो हल हो रहा है कौन सा वाला हल करना है ये वाला बताओ a माइनस b का बन रहा है सूत्र उस सूत्र से खुलेगा तो देखो a माइनस b का पहले इसको बना लेते हैं x की पावर 2 प्लस 3 x प्लस का a अब इसको खोलेंगे देखो सूत्र क्या होता है a माइनस b का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हर बार सूत्र लिख रहा हूँ आपको भी हर बार सूत्र लिखना है ताकि ये सूत्र पूरे के पूरे आपको याद हो जाए याद तभी होंगे जब आप बार बार लिखोगे ऐसे याद नहीं होंगे तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे खुलेगा ये इस सूत्र के माध्यम से a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 का 2 a का मतलब x इंटू b का मतलब 2 प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर आप देखो यहाँ पे इधर x स्क्वायर किसका है प्लस का इधर किसका है प्लस का दोनों सेम है कैंसिल बताओ इधर क्या बचा 3x प्लस कितना 1 बराबर उधर 2 × 2 = 4 4 को x से किया तो 4x माइनस का 4x और 2 का स्क्वायर कितना 4 आप देखो इधर ले लो 3x प्लस 1 इधर लोगे तो ये इधर प्लस में तो और इधर माइनस में तो और ये माइनस बराबर 0 बताओ 4 और 3 7x 1 में से 4 गए तो माइनस का बराबर बताओ द्विघात समीकरण है क्या नहीं है ना क्योंकि घात कितनी आए 1 तो द्विघात समीकरण नहीं है अब ये लास्ट वाला अब लास्ट वाला देखो द्विघात दो घात आनी चाहिए ठीक है ना लास्ट वाला ये चौथा देखो x प्लस 1 बटा x प्लस x की पावर 2 अब यहाँ दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x का मान कभी भी 0 नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है आपको ये वाला से इससे दो इसका मतलब तो ये x का मान कभी 0 नहीं इसको हल करना है अब देखो इसके बटे में कितना है अब ऐसे करें तो इसके बटे में 1 लगा दो इसके बटे में 1 लगा दो कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं क्या ले सकते हैं लघुत्तम ले सकते हैं लेकिन आप लघुत्तम से भी सीधा तरीका देखो इस सब को x यहाँ नीचे कितना है x इन सब को x से गुणा कर दो पूरी समीकरण को x से गुणा कर दो बराबर में क्या आएगा आपके जीरो देखो यहाँ इसको x से गुणा करेंगे x इंटू x प्लस 1 बटा x को भी किससे गुणा करेंगे x से प्लस इसको भी किससे गुणा करेंगे x की पावर 2 को भी और बराबर 0 को भी किससे गुणा करेंगे पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दिया x से देखो x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल क्योंकि गुणा बाद में ऊपर क्या बचा 1 प्लस x स्क्वायर को x से गुणा किया x की पावर 3 बराबर 0 को x से गुणा किया 0 सबसे बड़ी घात कितनी x की पावर 3 फिर घात कितनी फिर कितना 1 बराबर कितना 0 द्विघात दो द्विघात समीकरण है क्या घात कितनी आई 3 और नॉट आए समझ में उत्तर